वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज जो है हम डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। तो पहले ओवरऑल पहले मैं ये बता दूं आपको, देखिए एल्डोल लिखा है एल्डिहाइड, एल्ड मींस एल्डिहाइड, इट मींस आपको क्या करना है, इसमें एक तो एल्डिहाइड जो है जो कंपाउंड होते हैं वो ये रिएक्शन देंगे। उसके बाद जो है आपका जो पूरा कंपाउंड लिखा हुआ एल्डोल, एल्डोल एक प्रोडक्ट बनता है। तो ये आइडिया लगाने के लिए कि ये कौन कंपाउंड हो सकते हैं ये जो रिएक्शन देते हैं, तो एल्डोल लिखा हुआ है, तो एल्ड मींस एल्डिहाइड से रिलेटेड है, ऑल जो है आपका अल्कोहल से रिलेटेड है। एल्डिहाइड वाले चैप्टर में ये आपको मिलेगा, इट मींस एल्डिहाइड वाले कंपाउंड ये देंगे, और एक पूरा का पूरा कंपाउंड फाइनल प्रोडक्ट किसमें बन जाता है, एल्डोल में चेंज हो जाता है। तो कैसे होता है वो पूरा डिटेल देखेंगे। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, किसके प्रेजेंस में ये होगा वो भी आपको बताते हैं। देखिए एल्डोल में होना ये चाहिए कि कोई भी एल्डिहाइड है, पहले केवल मैं एल्डिहाइड्स के बेस में एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, और ये बेस की प्रेजेंस में, और कंडीशन जो इसमें लगेगी वो बेस की प्रेजेंस में, यहां पर लिख देते हैं कंडीशन बेस NaOH KOH, इस तरह से जो बेस होगा वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे आप माइल्ड बेस भी ले सकते हैं, उससे भी हो सकती है रिएक्शन। तो देखिए एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, अगर आपको देखना है कि कौन सा कंपाउंड है जो एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन लिए हुए है, तो एक सिंपलेस्ट एल्डिहाइड लेता है, देखिए HC OH, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए कैसे पता लगाना है आपको, जो ये फंक्शनल ग्रुप है, देखो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है उसके नेबरिंग कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा करके लिखते हैं, ठीक है। इसमें तो कुछ है ही नहीं कार्बन, तो इसका माने ये अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन इसमें नहीं है, तो इट मींस अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपका ये कंडेंसेशन रिएक्शन एल्डोल की नहीं देगा। इसके बाद नेक्स्ट में चले जाते, देखिए अगर हम लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये कंपाउंड ये है, देखिए ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का जो नेबरिंग कार्बन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा। इसके बाद अगर और भी कार्बन होते तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस तरह से चलते जाता, तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है इसको अल्फा हाइड्रोजन की। तो इट मींस अगर आप एक एसिड एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, अगर इसमें हम ऊपर से बेस मिला देते हैं कोई भी बेस जैसे NaOH KOH, तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन दे सकता है, एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है। अब कैसे ये होगा वो देखते हैं। देखिए कंडेंसेशन में जैसे कि आपको मालूम है कि कंडेंस इट मींस दो मॉलिक्यूल जो हैं जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन है आपके एल्डिहाइड के, वो आपस में जो है एड होकर के एक बिगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि एल्डोल के रूप में आपको मिलेगा, ठीक। तो कैसे होता है, देखिए कंडीशन लिख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, आपको एग्जाम में केवल इतना मिलेगा, देखिए OH- बस इतना ही मिलेगा। अब आपको आइडिया लगाना होता है कैसे, देखो नंबर एक, एक ऐसा एल्डिहाइड दिया है जिसमें कि आपका अल्फा कार्बन है, तो उसके साथ में हाइड्रोजन है और बेसिक मीडियम लिया हुआ है, तो इट मींस कंडीशन आपको किसकी मैच कर रही है, एल्डोल की। तो एल्डोल के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म कैसे आएगी वो देखना आप, तो हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, यही आपको क्वेश्चन दिया होगा, इसका आंसर क्या आएगा वो देखते जाते हैं। नीचे देखो मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप होगा इसमें वो ये करेंगे हम कि जो ये एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है ये बेस के साथ में देखो कैसे रिएक्ट करता है। बेस जो है OH- जो है मॉलिक्यूल में से क्या करता है, प्रोटॉन को लेने की कोशिश करता है, ठीक है ना, H पॉजिटिव को लेने की कोशिश करता है। आपको मालूम है एसिड बेस के जो कंसेप्ट है, आर्नियस की थ्योरी आपको मालूम होगी, एसिड की जो H+ देता है वो क्या होता है, एसिड होता है, जो OH- देता है वो क्या होता है, बेस होता है। OH- की टेंडेंसी होती है अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही हम जाए, बाकी थ्योरी को अगर आपको ध्यान में रखना, आपने पढ़ा होगा ब्राउन स्टूडेंट लॉरी, आपने पढ़ा होगा लुईस कंसेप्ट जिसमें कि लोन पेयर डोनर लोन पेयर एक्सेप्टर की कंडीशन होती है। इसके अलावा भी और थ्योरी है एसिड बेस की, जैसे लक्स फ्लड मॉडल है एक, वो भी एसिड बेस को एक्सप्लेन करता है, बट ऑक्साइड के बेस में वो एक्सप्लेन करता है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कंसेप्ट को लेकर के एसिड बेस को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना। तो जो ये OH- है, ये OH- कोशिश करेगा इसमें से कहीं से उसको H+ मिल जाए तो बेस्ट है, ठीक है ना। तो कहां से वो H+ लेगा, ये कैसे होगा, वो मॉलिक्यूल के नेचर पर डिपेंड करेगा कि कहां पर जो है H देने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है।
तो उसको देखते हैं, देखिए सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, जो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच जो है इसको पूरा बना देते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच एच एच, और यहां पे एच आपको दिख रहा है एल्डिहाइड वाला, और इस पर हमने क्या कर दिया ओ एच माइनस के लिए, ठीक है। तो ये ओ एच माइनस देखिए एक एच यहां पर भी दिख रहा है आपको, और ये तीन एच तो एक तरह के हैं। अब ये ओ एच माइनस इस एच को लेगा या इन एच को लेगा, ये दो चीजें यहां पर देखो, दो आपके पॉसिबिलिटीज दो हैं, एक तो ये एच है ठीक है, और एक ये एच है। तो आपको ये देखना है कि सी एच बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच बॉन्ड और ये वाला सी एच बॉन्ड है सबसे वीक कौन है जो ओ एच माइनस तोड़ सकता है। देखिए ओ एच माइनस उच्च एच को अपनी ओर खींचेगा जिसमें कि सी एच बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो कम से कम हो और उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। अब कैसे पता चलता है कि कौन सा सी एच बॉन्ड वीक है, उसी को जो है ओ एच माइनस उसके एच को अपनी ओर खींच लेगा जल्दी से जल्दी। देखिए कैसे पता चलता है, वो ये है, आप देखिए पोलैरिटी आप देख रहे हैं यहां पर, एक मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है, सी डबल बॉन्ड ओ यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है एक क्या पाई बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है आपकी, ज्यादा है, इसकी वजह से जो पाई बॉन्ड है वो किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा, जिससे ये जो आपका ऑक्सीजन होगा वो पार्शियली नेगेटिव होगा और कार्बन जो है पार्शियली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज लिया होगा, ठीक है ना, ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ओके नाउ देखिए कार्बन में यहां पर पॉजिटिव आ गया तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया एक तरह का, ठीक है। वैसे भी आप सबको मालूम होगा जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में आप कीटोन ले लो या एल्डिहाइड ले लो, उसमें जो कार्बोनिल कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसलिए होता है कि ऊपर ऑक्सीजन जो होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, तो उसकी वजह से उसमें एक तरह की क्या आ जाती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी उसमें डेवलप हो जाती है, उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ओके तो यहां पे आप जो पॉजिटिव देख रहे हैं, इस पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर होने की वजह से ये अपने नेबरिंग से बगल से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। देखते हैं क्या है, देखो इसका जस्ट नेबरिंग देखिए, एक बॉन्ड यहां पे दिखाई दे रहा है आपको और एक बॉन्ड यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, और बाकी ये तो इससे लगा हुआ ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये है। चलो मैं इसको भी ले लेता हूं, देखिए केमिस्ट्री को समझने के लिए आप तीनों को कंसिडर कर लीजिए, ये बॉन्ड है ये इससे जुड़ा हुआ, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन तो इसके हैं ही, इसको अपनी ओर खींच के कोई बेनिफिट तो होना है नहीं इसका, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके हैं ही ये दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर जो है, इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाते हैं तो ये पूरा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी इसकी पूरी हो जाती है। लेकिन ये वाला बॉन्ड जो है ना, इस पर भी दो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी दो के दो इलेक्ट्रॉन इसके भी है, क्योंकि ये शेयरिंग है, कोवलेंट बॉन्ड यहां पर बना हुआ है, सिग्मा बॉन्ड यहां पर बना हुआ है। और अगर आप इसको देखें, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी जो है आपके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, ठीक है ना, इन बॉन्ड को अपनी ओर खींच के इस कार्बन को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसके हैं। ओके तो ये उसके बाद का जो नेक्स्ट जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इस साइड में इससे लगे हुए जो बॉन्ड है उनके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। जब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा तो नेबरिंग कार्बन का जो सी एच बॉन्ड है उसको अपनी ओर लेने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा, देखो ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल अपनी क्या पोजीशन एक डेवलप करता, देखिए ये हाइड्रोजन यहां जा सकता है, क्लियर, कैसे देखिए मैं इसी को यहां पर बना दे रहा हूं, इसकी पोजीशन कैसे बन सकती है, इसको हम इस तरीके से लिखते रहे हैं क्योंकि ये इस फॉर्म में भी रह सकता है और इस फॉर्म में भी रह सकता है। अभी इसको क्या बोलते हैं वो बताते, देखिए ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये कंप्लीटली यहां होगा तो यहां पे नेगेटिव आएगा तो ये एच यहां आ सकता है, तो एक पोजीशन ये डेवलप होगी, देखिए एच यहां पे डबल बॉन्ड, सी यहां पे हो जाएगा क्या ओ एच, ये एच इसके पास आ गया और यहां ये एच आ गया, ठीक हो गया, एक आपका जो ये डबल बॉन्ड डेवलप हुआ है। देखिए ये एच जो है ना यहां पर भी है, ये एच आपका मोबाइल नेचर का है और ये एच किसके पास भी पहुंच जा रहा है, ऑक्सीजन के पास में। ओके तो इसकी वजह से जो है एक तरह से ये जो कंपाउंड है, अगर ये कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म, तो ये वाली जो फॉर्म आपकी देखिए ये इनॉल फॉर्म है। ओके ये इनॉल फॉर्म है ना, क्यों इनॉल फॉर्म, देखिए ये जो कार्बन है इससे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड माने इन। ओके इस कार्बन से ही, डबल बॉन्डेड कार्बन से ही ओ एच है तो ओ,
तो ये जो कंपाउंड है एल्डिहाइड जो कि अपने इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये एच यहां से यहां भी जा सकता है। इट मींस ये जो शो कर रहा है इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा टॉटोमेरिज्म, टॉटोमर, ठीक है, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, इसका टॉटोमर ये है, एक हाइड्रोजन यहां से यहां शिफ्ट कर गया। तो जो ये हाइड्रोजन है, देखिए ये हाइड्रोजन यहां पर भी है, ये हाइड्रोजन यहां पर भी रह रहा है, इसका एक नेचर है, मोबाइल नेचर है। तो मोबाइल नेचर है इस हाइड्रोजन का, तो ये OH- जो है इस हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन एक जगह पर ही रहेगा, एक ही जगह पर फिक्स होगा, वो तो स्ट्रांगली बाइंड अप रहेगा, जैसे कोई भी हाइड्रोजन है, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन तो इसी के बराबर में इक्विवेलेंट है, आप किसी को भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कीटो फॉर्म हो गए, इसकी इनॉल फॉर्म हो गए, तो ये हाइड्रोजन जो है आपका लेबाइल है, मोबाइल है, ओके। जैसे आप जेब में मोबाइल रखते हैं तो कहीं भी जा सकते हैं, क्या लैंडलाइन के फोन को ले जा सकते हैं क्या आप एक जगह से दूसरी जगह? कभी नहीं ले जा सकते हैं, लैंडलाइन आपकी जगह फिक्स होता है। कोई बॉन्ड जो अगर बना हुआ है एक ही जगह पर फिक्स है, या एक एटम एक ही जगह पर फिक्स है, तो उसको आसानी से डोनेट नहीं किया जा सकता। जैसे आप ये देखेंगे, इस हाइड्रोजन को आप डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि ये अपनी जगह पर बना रहेगा, ठीक है ना। इस कंडीशन पे आप नहीं शिफ्ट कर सकते जो कंडीशन हमने दी है, ठीक हो गया ना। तो यहां पे अब क्या होता, देखिए ये OH- इस H+ को, बिकॉज ये मोबाइल नेचर का है तो ये H+ को ले लेता है। तो यहां पे अभी हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड को यहां अंदर शिफ्ट करके इस इलेक्ट्रॉन को अभी हम यहीं पर रहने देते हैं। देखिएगा क्या आता है, CH H, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है वो यहां पर है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहीं पे लगा देते हैं। देखिए अब, ठीक है, ये तो इसको बता दिया मेरे यहां को, अब यहां को आगे बढ़ रहे, ये इलेक्ट्रॉन अभी यही रहने दे रहे हैं, तो ये आपका नेगेटिव हो गया, ओके। और यहां आ गया आपका सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि ये एच और ये ओ एच, ये एच प्लस और ये ओ एच माइनस अगर ऐड हो गया तो एच टू ओ एक आउट हो गया आपका। आपने कंडेंसेशन लिखा भी है, कंडेंस करना, ठीक है, वो उसमें से वाटर आउट हो गया यहां पर। तो उस वाटर का हम अभी यूज भी करेंगे आगे, कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। तो अब ये जो बना हुआ है आपका, एक तरह से जैसे मैंने ये इनॉल बोला आपको, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन बोलते हैं। जैसे इनोलेट आयन, ये आयन बना आपका इनोलेट आयन, इनोलेट आयन, और ये स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कैसे, देखिए ये आपका जो दो इलेक्ट्रॉन यहां पे दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से यहां पर नेगेटिव है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करा, ठीक है ना। एक तरह का ये जो बोला जाता है ना, देखिए लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये भी एक तरह का कंजुगेशन है। क्यों, ये जो आपके दो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहां पर एक पी ऑर्बिटल में है, ठीक है ना, ये पी ऑर्बिटल में है, तो ये यहां शिफ्ट करेगा, तो साइमल्टेनियसली आपका पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट किया। या आप ये समझ सकते हैं कि पाई बॉन्ड जो है यहां शिफ्ट किया, तो यहां पॉजिटिव आया, तो इसने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, तो इसका रेजोनेंस जो बन गया, देखिए क्या बना, एच सी एच डबल बॉन्ड, नो नाउ नो डबल बॉन्ड क्योंकि हमने शिफ्ट कर दिया, यहां पर आपका आएगा क्या, सिंगल बॉन्ड, ओके, सिंगल बॉन्ड, नो नो डबल बॉन्ड, यस हमने ये शिफ्ट कर दिया ना, डबल बॉन्ड, सी यहां पे आएगा आपका सिंगल बॉन्ड, ये आ गया, और एच, देख लीजिए। अब आप इन दोनों को अगर मैच करो, देखिए ये इनॉल फॉर्म थी, तो इसमें आपका यहां पर डबल बॉन्डेड था, ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, यहां पर ओ नेगेटिव था, ठीक है। एक तरह से आप समझ लीजिए कि OH- ने H निकाला, ये बना, इस OH- ने ये वाला H निकाला, तो ये बन गया। देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्टर मैंने आपको यहां पर समझाया कि वो OH- जो है यहां पर भी OH- इसी OH- को आप यहां लिख दीजिए, देखो समझने के लिए मैंने ये सब चीजें बनाई है। यहां इसकी कीटो फॉर्म की इनॉल फॉर्म बनाई, कीटो फॉर्म से आप बेस का रिएक्शन किया तो इनोलेट ये आ गया, और अगर आप उसी की इनॉल फॉर्म से OH- को लेके चलते हैं तो ये वाला H आउट होगा और आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे में क्या है, ये रेजोनेंस है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बन गया। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, ओके, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज से आपको पता चल गया है। सेकेंड स्टेप में क्या होता, देखिए जो ये इनोलेट आयन बना हुआ है, ओके, इनोलेट आयन को हम लेते हैं एच सी एच डबल बॉन्ड सी ओ नेगेटिव एच, इस पर जो है सेकेंड मॉलिक्यूल, जो इसका सेकेंड मॉलिक्यूल हुआ, देखो एक ही मॉलिक्यूल कंडेंसेशन है,
दो मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल पहले इनोलेट बनाएगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा वहां पर। देखिए कैसे, इसी का दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब क्योंकि हमने क्या देखा, देखिए एक तो अभी मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। अब इसी में इसी का जो ये वाला फॉर्म है, अगर आप इस फॉर्म से इसको बनाए, क्योंकि हमारा होता क्या है कि यहां पे ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, देखिए ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, तो इस पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव और ये वो तो नहीं मिल सकते, क्योंकि एक ही कार्बन में जो है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाएंगे, वो मॉलिक्यूल तो स्टेबल अनस्टेबल बनेगा, ठीक है। अब स्टेबल में देखिए इसी को इस फॉर्म में ले आता हूं मैं, या डायरेक्ट इसी फॉर्म को भी लिख सकते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि इस फॉर्म से अनस्टेबल क्यों बनेगा, उस फॉर्म से स्टेबल क्यों बनेगा। देखिए मॉलिक्यूल की बहुत सारी फॉर्म्स बनती है, जब रिएक्शन होती है आप लैब में अगर रिएक्शन करते हैं तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मॉलिक्यूल आपने लिया हुआ है या जो सब्सटेंस आपने लिया हुआ है उसके बहुत सारे उसके अंदर सब्सटेंस के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना। उनकी अलग अलग फॉर्म्स बनती है, अगर आप किसी के रेजोनेंस फॉर्म बनाए तो किसी के 5 फॉर्म बनती है, किसी की 6 फॉर्म बनती है, ठीक है ना। तो किसी किस फॉर्म से वो रिएक्ट करेगा ये डिपेंड करता है कि बनने वाली जो चीज है यानी कि प्रोडक्ट जो है जिससे स्टेबल बनेगा उसी से वो रिएक्ट भी करेगा, ठीक है। सपोज करें अगर किसी के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म जो है मोस्ट स्टेबल है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो थर्ड फॉर्म से बनेगा, ठीक है ना। बाकी से क्या बनेंगे आपके, माइनर प्रोडक्ट। आप देखते तो हैं कि ये मेजर बना ये माइनर बना, ठीक है ना। मेजर माइनर का कंसेप्ट यही है कि जो रिएक्शन के दौरान जो इंटरमीडिएट बनते हैं तो वहां पर पॉसिबिलिटीज होती है कि ये भी इंटरमीडिएट बन सकता है, ये भी इंटरमीडिएट बन सकता है, ये भी इंटरमीडिएट बन सकता है। लेट अगर एक एग्जांपल और मैं आपके सामने रखूं कि कार्बोनियम आयन है, कार्बोनियम आयन प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, टर्सरी भी होता है। अगर टर्सरी देखिए, टर्सरी कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो बनने वाला कंपाउंड जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो टर्सरी के अकॉर्डिंग बनेगा। सेकेंडरी उससे कम स्टेबल है तो थोड़ी मात्रा सेकेंडरी की बन गई। प्राइमरी और भी कमी स्टेबल है तो थोड़ी सी मात्रा जो है आपकी किसकी बन गई, प्राइमरी की बन गई। लेट अगर रेशियो अगर हम देखें, एग्जांपल के लिए मैं दे देता हूं, अगर 70% टर्सरी वाले से बन रहा प्रोडक्ट तो 20% आपका किससे बन जाएगा, सेकेंडरी से। 10% केवल किससे बनेगा, आपका प्राइमरी से। इसलिए हम केवल केवल वहां पर किसको लिखते हैं, मेजर प्रोडक्ट को ही लिखते हैं, माइनर को छोड़ देते हैं, लेकिन बनते हैं वो, ठीक है ना। अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, देखिए इस वाली फॉर्म को ना लेकर के हम इस वाली फॉर्म से यहां पर रिएक्शन करेंगे, तो जिससे कि आप तुरंत बनाने के लिए इससे भी कर सकते हैं। आप इसको यहां ले आए, देखिए आप इसको यहां ले आए तो ये अपनी जगह वापस आ जाएगा। अब इतना ज्यादा नहीं करके हम सीधे सीधे जो पहली फॉर्म है उसी को लिख लेते हैं, देखिएगा वही फॉर्म आ जाएगी आपकी। यहां पे है आपका क्या, CH, ये हो गया, ये इनोलेट आयन की फर्स्ट फॉर्म है, यही इनोलेट आयन की ये आपकी क्या है, सेकेंड फॉर्म है। मैंने कौन सी फॉर्म ले लिए हैं, फर्स्ट फॉर्म ले लिए, देखिए C डबल बॉन्ड OH, ओके। तो अब आपका क्या होगा, देखिए ये बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट करेगा, ठीक है, जैसे यहां हमने किया था, तो ये इसमें क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, इसमें क्या आएगा आपका, डेल्टा नेगेटिव आ गया, ठीक है ना। तो ये जो पॉजिटिव कार्बन है ये एक तरह से न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अगर ये पॉजिटिव है तो यहां पर ये नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जो है आपका इस नेगेटिव के पास में ऐड हो जाएगा, एक तरह का एडिशन यहां पर बनेगा। तो देखिए क्या करते हैं, देखो हम पहले इसको लिख लेते, देखिए आप, ठीक है, CH3 C, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट किया तो यहां पर कंप्लीटली क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जब तक आप बॉन्ड को कंप्लीट शिफ्ट नहीं करते हैं तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव लगाए, जब कंप्लीटली आप शिफ्ट कर देते हैं तो 100% नेगेटिव लगाए, ठीक है ना। तो अब आपका क्या हुआ, देखिए इस H को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक हो गया, इससे कौन जुड़ा है आपका, ये वाला कार्बन, तो यहां देखिए CH2, नाउ दिस वन इज CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्लियर हो गया ना। तो इसके बाद थर्ड स्टेप हम जाएंगे, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना, देखिए जो ये बना हुआ है आपका सेकेंड स्टेप का CH3 C O नेगेटिव, यहां पे H, CH2 C डबल बॉन्ड O, ओके, इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, ये हो गया,
यहां पे आ गया आपका सी डबल बॉन्ड ओ, जो ये बनाया आपने डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, यहां पे एच आ गया। ओके, इस पर किसकी रिएक्शन होगी, देखिए यहां पर जो ये वाटर बना हुआ है वो वाटर से क्या ले लेगा, एच प्लस ले लेगा। ओके, क्यों, आपने बेस जो लिया था, देखो बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, बेस की प्रेजेंस आप OH- उसको वापस कर दोगे, ठीक है ना। लेट की NaOH अगर था तो अभी सिस्टम में Na+ फॉर्म है, वो Na+ भी अपने को किस पे कन्वर्ट कर देगा, स्टेबल मॉलिक्यूल में, तो OH- यहां से ले लेगा, H इसको मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आ गया CH3, दिस वन CH, OH सिंगल बॉन्ड CH2 और C डबल बॉन्ड O, देन ये H प्लस OH- ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोडक्ट को अगर आप देखें तो आप देखते हैं कि इसमें ये है आपका एल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड और दिस वन इज ओएच यानी कि अल्कोहल यानी कि ऑल मिक्स दिस टू एल्ड इज मेन फंक्शनल ग्रुप। देखो एल्डिहाइड जो है यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप है और बीच में हमारा क्या लगा हुआ है, ओएच लगा हुआ है, तो इसको पूरे को बोल देंगे हम क्या, एल्डॉल, दोनों को मिला। और इसका अगर आप IUPAC नेम लिखते हैं या पहले मैं कॉमन नेम बता देता हूं, देखिए ये आपका फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा होगा या बीटा होगा, ये गामा होगा, ठीक है, तो बीटा पे OH लगा हुआ है तो आप बोल सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी तो होगा ही होगा, 1, 2, 3, 4 ब्यूटेन एल्डिहाइड, ठीक है ना, ब्यूटेन एल्डिहाइड एक तो ये मैंने कॉमन के रूप में बताया। अब इसका IUPAC देखिए, देखो IUPAC नेम बार बार मैं आपसे बोलता हूं कि आपको वैसे ही क्लियर होने चाहिए जैसे आपको आपका नाम क्लियर है, ठीक है, तो इसका IUPAC नेम देखिए 1, 2, 3, 4 इट मीन्स अ ब्यूट है, ठीक है, तो यहां पे 3 पे लगा हुआ है OH, क्या हो गया 3-hydroxy, एक्चुअली दिस वन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, ये आपका साइड के चेन के रूप में माना जाएगा, ठीक है ना, सेकेंडरी, तो इस फंक्शनल ग्रुप को मेन न मान करके इसको मानेंगे, कभी भी याद रखना मेन फंक्शनल ग्रुप आपका मोर ऑक्सीजनेटेड विल बी द मेजर फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी आप उसको देंगे। इसमें देखिए डबल बॉन्ड ओ है, एक तरह से यहां पर जो आपका ऑक्सीजनेटेड जो है फॉर्म ज्यादा है होने के लिए, दोनों में देखिए आपको लग रहा होगा यहां भी सर एक ही ऑक्सीजन है, वहां भी एक ही ऑक्सीजन है, लेकिन यहां भी आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ में, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट टू टू बॉन्ड, तो इट मींस टू ऑक्सीजन्स, दैट्स व्हाई प्रीफर्ड ग्रुप विल बी एल्डिहाइड, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है 1, 2, 3, 4, तो इट मींस हो गया आपका 3-hydroxy-butanal, ओके, नल किसके लिए लगता है आपका, NaL, लास्ट में अल लगेगा, एल्डिहाइड के लिए लगता है, ठीक है ना, तो इस तरीके से जो मैंने आपको अभी बताया ये एल्डॉल कंडेंसेशन है। अब इसी में इसके एप्लीकेशंस भी होते हैं, देखो अगर आप सपोज दैट तुरंत अगर आपको बनाना है, इसकी समरी में आपको बता दूं, देखो कैसे आपको इसको समझना है कि किससे क्या बनेगा, क्योंकि आप कॉम्पिटिशन में बैठे हैं तो इतना तो करेंगे नहीं, वहां पर तो ये करना है आपको, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, यहां पर CH2 में इसको H ऐसे लिख दे रहा हूं, देखो CH3 है, C डबल बॉन्ड OH ऐसा आपको मिलेगा वहां पर OH माइनस। अब ये दो मॉलिक्यूल भी नहीं लिखे होंगे, मैंने बोला कि एक ही मॉलिक्यूल लिखा होगा आपको, ठीक है ना, आपको तो केवल इतना लिखा मिलेगा वहां पर, ठीक है, तो आपने करना क्या है, देखो तुरंत के लिए आपको समझना क्या है कि एक ये H जो है इसके पास आप ले लेना, ओके, ये H इसके पास आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहां पर ये डायरेक्ट इससे जुड़ जाएगा फिर, ठीक है, यहां पर सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, एक तरह से ये मैं इसको ऐसे भी लिख दे रहा हूं, देखिए ये हो गया, यहां पर इन दोनों के बीच में जो ये आपके दो बॉन्ड हैं CH3 CH ये इधर आ जाएगा, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पर ये सिंगल बॉन्ड आपस में जोड़ देंगे इसको, और ये C डबल बॉन्ड OH हो गया, प्रोडक्ट इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है, प्रोडक्ट को तुरंत आपको समझना है और ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं करना है, ये बीटा हाइड्रोक्सी आपका मिल गया, लेकिन जब आप इसी तरह से आप इस तरह के मॉलिक्यूल को ले लेते, देखिए C6H5CHO डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, उसके बाद आपने एक ले लिया एसिटाइल्डिहाइड, एक ही ले लिया, अब इसमें भी OH माइनस कर दिया, इसमें भी एल्डॉल बन सकता है, अब लेकिन इसके क्या करना है आपने देखना, ये जो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है ना वो पहले रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, यानी कि H यहां से आएगा,
तो यहाँ का एच जो है आप इसको दे देंगे, आप यहां से एच नहीं देंगे, आप इसमें तो क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, ठीक है ना, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, इट मींस यहां से एच कम होगा। देखिए मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ कि यहां पर मैं पहले सी एच टू एच लिख देता हूँ, ये वाला एच इसके पास आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला एच आपका किसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। तो प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, सी सिक्स एच फाइव सी ओ एच, ये एच आपकी जगह पर रहेगा, इधर आ गया सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरीके से जो कॉम्पिटिशन में आप बैठते हैं तो क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर जो है पता चल जाना चाहिए कि ये ऑप्शन नीचे लिखा होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए, इसका मैंने वो क्वेश्चन अभी फिलहाल आपको नहीं आता है, आगे बढ़ जाना, लास्ट में उसको देखिएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बताया। नाउ थैंक यू वेरी मच, नाउ सी यू नेक्स्ट लेक्चर।